कुमार का बड़ा फैसला, धान अधिप्राप्ति को लेकर की समीक्षा बैठक। वहीं धान अधिप्राप्ति की समय सीमा को 21 फरवरी तक बढ़ाया। 50 साल के रिटायरमेंट मामले पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा बिहार में निकली है बंपर वैकेंसी, अप्लाई कर दें तेजस्वी यादव। अगर अपोजिशन के लोगों को भी लगता है कि वो पॉलिटिक्स छोड़कर नौकरी बिहार सरकार में करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों से अनुरोध है कि आप आइए बिहार में फॉर्म भरिए। तेजस्वी यादव जी से भी कहें कि बिहार सरकार में वैकेंसीज निकली है, अगर एलिजिबल हैं तो वो भी फॉर्म भरें, अगर वो योग्य कैंडिडेट होंगे तो उनको भी नौकरी मिलेगी। बेतिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया उद्घाटन। इस मौके पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा सपना हुआ साकार। बिहार के सुदूर बेतिया जिले के अंदर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें मरीजों को रहने के लिए 500 बेड के अस्पताल का जो नया भवन 77 करोड़ की लागत से बना है, उसका आज उद्घाटन किया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे एंट्री। झारग्राम के जमादा सर्कस मैदान में रैली को संबोधित कर किया ऐलान। रांची के रिम्स अस्पताल में 50वीं शासी परिषद की बैठक का आयोजन। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रहे मौजूद। हाजीपुर में एक्सिस बैंक से 40 लाख की लूट। अपराधियों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर किया वारदात को अंजाम। किसानों के समर्थन में झारखंड में ट्रैक्टर रैली का होगा आयोजन। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। जो लोग इस आंदोलन को असफल बनाना चाहते हैं, उन लोगों ने घुसपैठ किया है। 60 दिनों में सैकड़ों लोगों की जाने जाने के बावजूद भी एक परिंदे को मारने की खबर नहीं आती। शिवहर में पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन का 65वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान मौके पर उनके बेटे और शिवहर के राजद विधायक चेतन आनंद ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। आरजेडी के प्रदेश कमेटी का हुआ विस्तार। इस दौरान पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश कमेटी में उपाध्यक्ष पद की सौंपी गई जिम्मेदारी। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विश्व मोहन मंडल और गणेश भारती को पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष किया मनोनीत। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बाइक चोरी गिरोह के साथ मुख्य सरगना हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी हुए बाइक को भी किया जब्त। एसएसपी जयंत कांत ने दी जानकारी। कुछ लोग सदस्य पकड़ में आए हैं, जो कि बेला थाना और मिठनपुरा थाना के बीच में पकड़ में आए थे। लोगों से पूछताछ करके गोपालगंज में अतिक्रमण हटाने के दौरान झोपड़ी में आग लगाने के खिलाफ सड़क पर उतरे पीड़ित। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने सीओ पर मारपीट और आगजनी करने का लगाया आरोप। उस अतिक्रमित भूमि को खाली कराने गया था, वहां अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई गई। हम लोगों पर एवं पुलिस बल पर पथराव भी किया गया एवं उसी अतिक्रमणकारियों में से इस महिला ने उस झोपड़ी में आग लगा दी एवं अतिक्रमण कार्य को करने से रोका गया। सहरसा जिले के जमाल नगर पंचायत के वर्तमान वार्ड सदस्य की कुएं में डूबने से मौत। घटना के बाद इलाके सहित परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला में अंचलाधिकारी कार्यालय में जमीनी विवाद के निपटारे में तेजी लाने के लिए दाखिल खारिज शिविर का आयोजन। इस दौरान अंचलाधिकारी ने ऑनलाइन आवेदन पर त्वरित कार्रवाई कर कई मामलों का किया निपटारा। मुजफ्फरपुर में पैक्स अध्यक्ष से हुई दिन दहाड़े 3 लाख की छिनताई। छानबीन में जुटी पुलिस। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। सारण जिले के मशरक में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता के लिए कबड्डी टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। सहरसा में कला भवन में राजद नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर अब्दुल गफूर की मनाई गई प्रथम पुण्यतिथि। समारोह का उद्घाटन पूर्व विधायक अरुण कुमार, किशोर कुमार मुन्ना, रंजीत यादव, राजद नेता अजय सिंह समेत अन्य नेताओं ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। लखीसराय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मिनी गन फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश। वहीं मौके से भारी मात्रा में हथियार किया बरामद। सहरसा में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट। इस दौरान 3 लोग हुए बुरी तरह घायल। वहीं घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। अरवल में कृषि कानूनों के विरोध में महागठबंधन द्वारा 30 जनवरी को मानव श्रृंखला को लेकर हो रही तैयारी। महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता करेंगे 30 जनवरी को कृषि बिल का विरोध।